ओके बच्चा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप सब? कैसे हो बेटा आप सब? मुस्कान, ओके मेरा बच्चा। कल हमने नसर निगाहें की थी, बारिश के मौसम के बारे में इबारत तहरीर करनी थी, ठीक है। आज हम करेंगे तस्वीरी तफहीम। आपको पता है तस्वीरी तफहीम किसे कहते हैं? तस्वीरी तफहीम तस्वीर देखकर आपको इबारत तहरीर करनी होती है, ठीक है। हमने फर्स्ट क्लास में तस्वीर देखकर जुमले लिखे थे, लेकिन अब सेकंड क्लास में मैं आपके पास तस्वीर शेयर करूंगी। उस तस्वीर को देखकर आपको तस्वीरी तफहीम करनी है। अब आप सब देखिए, आपके पास एक पिक्चर शेयर होगी मेरा बच्चा। इस वीडियो नहीं आ रही। जी, बेटा पिक्चर शेयर कर दी, आप देखिए। इस तस्वीर को देखकर आपको इबारत तहरीर करनी है। सबसे पहले मुझे ये बता दें, ये पिक्चर किस चीज की है? जी किचन बच्चा, देखें मैंने पिक्चर आपको शेयर कर दी है, अब आप देखें ये पिक्चर किस चीज की है, की किस चीज की किचन तस्वीर है? उर्दू में क्या कहते हैं बावर्ची खाना? क्या कहते हैं मेरा बेटा? बावर्ची खाना। इस तस्वीर को देखकर आपको एक पेज की नजर निगारी करनी है, इबारत तहरीर करनी है। अब देखें तस्वीर में क्या क्या चीजें हैं, अच्छी तरह तस्वीर को देख लें। पहले क्या क्या नजर आ रहा है आपको तस्वीर में, जल्दी से बता दें एक दो चीजें, फिर हम इसके ऊपर एक सेंटेंस देखेंगे। उस्मान हुरिया, सबसे पहले ये किस जगह की तस्वीर है, तो आप क्या लिखोगे ये तस्वीर? बावर्ची खाने की है, ठीक है। अब कॉपी ओपन कीजिए मेरा बेटा। ओके मेरा बच्चा, आप देखें पिक्चर में बाद में शेयर करूंगी, अब देखिएगा मेरा बेटा। ओके मेरा बच्चा, कल हमने नसर निगारी की थी, बारिश के मौसम के बारे में इबारत तहरीर करनी है, ठीक है। आज हम नेक्स्ट पेज पे डेट लिखेंगे मेरा बेटा। मम्मा यार ये सही पेज पे डेट लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने यहाँ लिखी आज की डेट। हम ऊपर लिखेंगे इस लाइन पर तस्वीरी तफहीम। क्या लिखेंगे? तस्वीरी तफहीम। ते फे हे ये और नीम, ठीक है मेरा बेटा। हमने लिखा तस्वीरी तफहीम। डेट शो कर दे मेरा बच्चा, तस्वीरी तफहीम लिखे। समीर, सानिया, कोकब, मेरे साथ साथ काम कीजिए बेटा। कल हमने नसर निगारी की थी, मैंने आपको बता दी है बच्चा। आज हम करेंगे तस्वीरी तफहीम। डेट शो कर दी सबने, हेडिंग शो कर दी मेरा बेटा। जल्दी से पेज रेडी। जी बेटा लिख लें, ब्लू कलर है तो ब्लू कलर से लिख लें। जी बच्चा, हमने डेट और तस्वीर तफहीम लिख ली, अब हम सवाल लिखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर सवाल लिखेंगे। सवाल तस्वीर देखकर, तस्वीर देख कर इबारत यानी पैराग्राफ, तस्वीर देखकर इबारत तहरीर, तस्वीर देखकर इबारत तहरीर करें, ठीक है। पहले आप बताएंगे कि किस जगह की तस्वीर है, फिर आप बताएंगे इस तस्वीर में क्या है, क्या क्या चीजें हैं, फिर आप देखेंगे। और आपको एक पेज की इबारत लिखनी है बेटा, जिस स्टूडेंट से मैं पूछूंगी तो फिर वही मुझे बच्चे रिप्लाई करेंगे। आपको वन पेज की इबारत तहरीर करनी है, इबारत यानी पैराग्राफ। अब मैं पिक्चर शेयर करूंगी, देन मैं आपसे सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले
आप डेट लिखें, तस्वीरी तफहीम लिखें, सवाल लिख लें, तस्वीर देखकर इबारत तहरीर करें। आप सभी सवाल लिख लें मेरा बेटा, सवाल नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। ओके मेरा बेटा, सवाल नोट डाउन कर लिया। अब मैं आपके पास पिक्चर शेयर करूंगी, ठीक है? फिर मैं आपसे पूछूंगी कि तस्वीर में क्या बताया जा रहा है। लेकिन जो पिक्चर शेयर कर रही हूँ ना बेटा, बताए मेहरबानी उस पिक्चर को खराब मत कीजिएगा। देखें आपके पास अब पिक्चर शेयर होगी। अब इस पिक्चर को खराब नहीं करना, और जिससे मैं पूछूंगी सिर्फ उसे ही रिप्लाई करना है। मुस्कान जल्दी से बता दे, मुस्कान दो से तीन जुमले बता दे। क्या लिखोगे गुड़िया? ये बावर्ची खाने की गुड़िया तस्वीर। आगे इसी के आगे। अच्छा आपको पता है ना बेटा, इबारत में हम उसी के आगे से लिखते हैं, नेक्स्ट पेज से नहीं लिखते, नेक्स्ट लाइन से नहीं लिखते बेटा। अच्छा ये बावर्ची खाने की तस्वीर है, वेरी गुड। फिर हम क्या लिखेंगे बेटा? फ्रिज है। वेरी गुड। और फ्रिज के ऊपर फ्रूट है। फ्रूट्स उर्दू में फल जी। और क्या क्या है, और क्या है मेरा बेटा इस तस्वीर में? कुर्सी है, टेबल है। और मेरा बेटा, और मेरा बच्चा, मेज है, मेज है, कुर्सियां हैं, कुर्सियां। और आपको क्या नजर आ रहा है? बर्तन जी। कौन कौन से हैं, कौन कौन से मेज पर बर्तन हैं? कैसे लिखोगे बेटा? इसमें बर्तन हैं। कौन कौन से? जैसे जैसे बहुत सारी चीजें हैं बच्चा। पतीला, बहुत सारी चीजें हैं। पतीला उर्दू में कहते हैं। और चम्मच जी। वेरी गुड। प्लेट जी मेरा बेटा। और फ्राई पैन। ठीक है ठीक है, आप नोट डाउन करके मुस्कान शो कर दें। हम उस्मान से पूछ लेते हैं तब तक। आज उस्मान इस्माइल रिप्लाई करेंगे। जी उस्मान, तस्वीर बहुत आसान है और अच्छी है बेटा। घड़ी कहाँ है? दीवार पे। पूरा जुमला लिखना है बेटा, तो आप क्या लिखोगे मेरा बच्चा? पूरा जुमला तहरीर करोगे, ऐसे लिखोगे घड़ी है, बर्तन है, फ्रिज है? जी पूरा जुमला बताना जी। और दीवार पे घड़ी है जी मेरा बच्चा। और आगे आप क्या लिखोगे? ऊपर फल रखे हैं। हाँ लेकिन जुमले की सूरत में नहीं लिखनी, इबारत लिखनी है, ठीक है? सही। इबारत में उसी के आगे से नेक्स्ट लाइन स्टार्ट कीजिएगा। आगे चूल्हे पे फ्राई पैन रखा है। वेरी गुड वेरी गुड उस्मान, बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस बनाए उस्मान। आप नोट डाउन कर लें बेटा, जल्दी से नोट डाउन कर लें। वेरी गुड बच्चा, डेली लिया करें उस्मान। दीवार पे गाड़ी है, पीच के ऊपर फल हैं। जी बच्चा आप काम ही कीजिए, नोट डाउन कीजिए। अनस रिप्लाई कीजिए बेटा। अनस हनीफ आप क्या लिखोगे? सबसे पहले ये तस्वीर बता दें किस जगह की है। बच्चा मैंने सवाल बता दिया, देख लें। जिन बच्चों ने सवाल नहीं लिखा वो देख के नोट डाउन कर लें। ओके मिस। जिन बच्चों ने सवाल नहीं लिखा बेटा वो देखकर नोट डाउन कर लें, फिर मुझे सेंटेंसेस बता दें। पिक्चर नहीं बनानी आपको, पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेना है अपने पास। ये अभी मैं पिक्चर शेयर कर रही हूँ ना, पिक्चर नहीं, आप सिर्फ इस पिक्चर को देखकर सेंटेंसेस बता दें मुझे, फिर मैं जब बताऊंगी तो बेटा
टीचर आपको ग्रुप में भी शेयर कर दी जाएगी। ओके अब हम उज़ैफा से पूछेंगे। उज़ैफा जी बेटा बोलिए। उज़ैफा और क्या है इस तस्वीर में? उज़ैफा जल्दी से बता दें। इसमें फ्रिज है। और फ्रिज तो बता दिया, फ्रिज के ऊपर फल भी बता दिए, और क्या क्या आपको नजर आ रहा है बच्चा? इसमें और खाना पकाते हैं। और इसमें टेबल है। टेबल को क्या कहते हैं? मेज। इसमें मेज और आप है। और आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं देखिए। इसमें आटा है। और क्या रखा हुआ है ओवन के बराबर में? क्या रखा हुआ है? इसमें जूसर है। जी जूसर है। और जूसर के बराबर में इसमें अंडे हैं। जी कितने अंडे हैं इस तस्वीर में? 6 अंडे भी रखे हैं। और वेरी गुड बेटा, नोट डाउन। पिक्चर बेटा पिक्चर को खराब ना करें, जो पिक्चर शेयर की उसे खराब ना करें, जल्दी से बता दें। जैनब शाहजेब उस्मान आपने बता दिया ना बेटा, अभी मैंने आपका ऑफ रखा है माइक। ओके उज़ैफा ने काम कर लिया। उज़ैफा कहाँ है सेंटेंसेस नोट डाउन कर लें। उज़ैफा